हत्या और रेप केस के मामले में सजा याफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ सकते हैं। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर से पैरोल के लिए अर्जी लगा दी है। 25 जनवरी के भंडारे और सत्संग के लिए डेरा मुखी ने जेल प्रशासन को आवेदन भेजा है और सिरसा आने की अनुमति मांगी है। हरियाणा सरकार और प्रशासन सुरक्षा एंगल पर विचार कर रहे हैं। दरअसल डेरा सच्चा सौदा के दूसरे संत शाह सतनाम महाराज के जन्मदिन पर डेरा में 25 जनवरी को भंडारा और सत्संग आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ सकता है। हालांकि सिरसा में अगर राम रहीम आता है तो सरकार के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, इसलिए इस मसले पर काफी गहनता से विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सिरसा डीसी के पास लॉ एंड ऑर्डर की फाइल पहुंच चुकी है, इस पर रिव्यू करना बाकी है। वहीं गौरतलब है कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम 15 अक्टूबर 2022 को पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। 40 दिन तक वह बरनावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहे थे। इस दौरान उनकी मुंहबोली बेटी हनप्रीत और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। राम रहीम ने डेरे में दिवाली और डेरे के संस्थापक का जन्मोत्सव भी मनाया था। पैरोल के दौरान राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग भी किया, इसे लेकर सवाल भी उठे थे। अब एक बार फिर से राम रहीम की तरफ से पैरोल मांगी गई है। अगर आपको भी इस वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।